आयोजित किए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चालकों को यातायात के नियम समझाए गए। इस मौके पर कुरावली के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यातायात अधिनियम के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का समय समय पर आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सोमवार को नगर एआरटीओ कौशलेंद्र सिंह के संयोजन में कुरावली नगर पंचायत में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के टैक्सी चालकों गणमान्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने, टैक्सी चालकों को तरीके से वाहन खड़े करने, शराब पीकर वाहन न चलाना, सड़क किनारे अतिक्रमण न करने आदि के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सीओ डीपी गौड़, ईओ डॉक्टर कल्पना वाजपेयी, सभासदगण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए एआरटीओ कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि नगर में डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा, किसी भी प्रकार से यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग करने की भी अपील की है। देखिए, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष शासन एक हफ्ते का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। इस बार ये 17 से 22 जून की तारीख सरकार ने तय की है। हमने ये सोचा कि इस बार हम लोग हमेशा इस सप्ताह की शुरुआत जिला मुख्यालय पर करते हैं। इस बार हम किसी सुदूर इलाके में करेंगे, क्योंकि सुदूर इलाकों में दुर्घटना की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं। इस क्रम में मैंने ईओ साहिबा से रिक्वेस्ट किया, अंकल मैडम कुरावली में थोड़ा सड़क दुर्घटनाएं भी ज़्यादा हैं, लोग अवेयर भी कम हैं, एक मीटिंग यहाँ आपके सभागार में हो जाए। मुझे बहुत खुशी है कि मैडम ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की। यहाँ पर इलाके के सभी ड्राइवर, चाहे वो मैजिक के हों, चाहे वैन के हों, चाहे ऑटो के हों, बसों के मालिक, सब यहाँ बुलाए गए, जिसमें सीओ साहब, पीओ साहब, स्कूल के भी लोग थे और एसडीएम साहब भी यहाँ मौजूद थे। वे एसडीएम साहब दोबारा भी आ रहे हैं। सबसे बात हुई, सबको नियम कानून समझाए गए और ये निर्देश दिए गए कि सब हेलमेट लगा के चलेंगे, कोई भी टेप रिकॉर्ड ब्रेक अपने गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करेगा, और अतिक्रमण की जो समस्या उसके बारे में सबको अंतिम रूप से चेतावनी दे दी गई, अब अगर इंक्रोचमेंट होगा तो कार्रवाई की जाएगी सबके खिलाफ। ये सारी बातें समझा दी गई उनको। अभी हमारा कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा, आज इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है, अब दूसरे इलाकों में हम लोग इसको करेंगे, इसका जो समापन करेंगे हम लोग काफ़ी भव्य पैमाने पर उसका समापन। सर, जिन बिंदुओं पर विचार किया गया, अगर उन पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, मैं 2 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ और आपके सामने काम कर रहा हूँ जी। हम ये मानते हैं कि आदमी को पहले समझाना चाहिए, चेतावनी दिया चाहिए, क्योंकि दंड की अपनी एक सीमा होती है, दंड से आदमी बहुत नहीं सुधरता है, और दंडात्मक कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, चालान सिस्टम कर ही रहे हैं। हम ये दोनों काम साथ साथ करेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे भी, लोगों से बात भी करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समझाएंगे भी, और दंडात्मक कार्रवाई भी करते रहेंगे। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनप्री। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर, एक्सीडेंट एवं गनशॉट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।